वेलकम बैक गाइज हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हमें ना अचीवमेंट हंट करने वाले, मतलब एक सिंपल सा अचीवमेंट, मेरे को है ना फर्स्ट 8 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डायमंड आलमंड बनाना है। मतलब मैं बना भी सकता हूँ, ट्रेड भी कर सकता हूँ, और इसके ना मैंने पूरी की पूरी तैयारी कर लिया है। मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगा मुझे तैयारी करने में, मैंने ऑफलाइन सारा का सारा तैयारी कर लिया। और ये एक चैलेंज है, मैं देखता हूँ कि मैं 8 मिनट में बना पाता हूँ, यानी मतलब मैं रियल लाइफ के 8 मिनट की बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो क्लिप कट कट के वो वाला 8 मिनट नहीं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने ना ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान कलेक्ट करके रखा है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी विलेजर को ये सारा काम वाम दे दिया है, ताकि मुझे ये सारा काम ना देना पड़े। और बस एक प्रॉब्लम, ये विलेजर है ना, मतलब वो काम ले गए तो खड़ी, लेकिन उसके अंदर वो लोग मुझे आर्मर देंगे तो ही ना, मतलब अगर तीनों तीन ने सेम दे दिया तो वो मुझे तकलीफ होगा, तो मुझे वो भी ध्यान देना। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, व्हाट ए डील। तो मुझे पहला अचीवमेंट मिल गया, अभी तक मैंने ट्रेड नहीं किया था, तो गजब की बात हो गई। तो यहाँ पे फटाफट से एक एक क्लिक में मैं सब कुछ बनाता हूँ, एकदम काम है ना फास्ट करने वाला, देखते ये चैलेंज हम कंप्लीट कर पाते हैं यानी। तो यहाँ से ना मुझे अरे यार उनको ढूंढना भी तो तकलीफ है, वो भाग जाते हैं यहाँ से। वहाँ पे रुको यार, कहीं पे मत जाओ, ट्रेड कर अभी करना। तो ये मुझे स्टिल दे रहा है, तो टोटल है ना 16 देते हैं ना, तो मैं अभी भी ट्रेड कर सकता हूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम होने वाला है आर्मरर को अनलॉक करना। ओके चलो, इसने मैक्स कर लिया, अब ये ट्रेड नहीं देता। तो यहाँ से निकलते हैं, सेकंड की दर है सेकंड। यहाँ पे मैंने ना तीन चार हर एक बना के रख दिया है, मेरे को पता है एक से तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे 20 से लेता, टोटल 32 हो जाएगा यहाँ पे। चल भाई फटाफट दे, अरे रुक क्यों गया दे ना, अरे क्लिक हो जाए फटक से। तो यहाँ पे ना मेरे को यहाँ पे 32 मिल चुके बहुत सी। तो अभी ना मैं चलता हूँ और अपना आर्मर किधर देख रहा हूँ। ओके ये वाला बंदा बेवकूफ़ ये दे ही नहीं रहा है, फालतू है, किसी काम का नहीं है, इससे मैं करूँगा ही क्या पहली बात। तो ये महंगा भी दे रहा है, इसको मैंने हिट भी नहीं मारा है। चलो इससे मैं ट्रेड करता हूँ। और एक मिनट यार, ये महंगा क्यों दे, ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं दे रहा है, मतलब सबके सब विलेजर को क्या तकलीफ है मेरे से समझ नहीं आ रहा है। तू भी दे भाई, और ये भी कुछ अजीब चीज़ें दे रहा है जो कि मैं खरीद ही नहीं सकता। और ये एक लास्ट बचा है, ये थोड़ा सस्ता दे रहा है, तो मैं इससे ट्रेड करता हूँ। तो चलो ठीक है, ख़रीद लेता हूँ, पता नहीं मैं इसको अनलॉक भी कर पाऊँगा यानी। चल भाई पूरा का पूरा आ जाए एक क्लिक में, अबे एक क्लिक हो जाना हो क्यों नहीं, ओके चलो हो गया। अरे यार फिर भी मैं नहीं खरीद पाया, बहुत ज़्यादा क्लोज था यार, मेरे को अभी फिर से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी इनसे। लेकिन अच्छा मैंने लकड़ी इनफ काट के रखा है, और 2 स्टैक मैंने बैकअप रखा है। एक्चुअली वो मैंने नॉर्मल घर बनाने के लिए रखा था, बट उसकी भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी वापस लूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं इनसे ट्रेड करता हूँ, और अरे और नहीं कर सकता, एक मिनट मुझे बनाना पड़ेगा। चलो भाई फटाफट से बन जाओ, ये तो अच्छा है कि ये जावा है, एक क्लिक में अपना काम हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ 1 स्टैक फिलहाल काफ़ी है, 16 मिल जाएगा इससे मेरे को। चल भाई दे दे जितना दे सकता है। ओके थोड़ा सा सस्ता कर दे, ये सही यार, ये विलेजर सस्ते कर देते, पॉकेट एडिशन के विलेजर तो कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा इस बार पूरा क्लिक नहीं कर रहा, इस बार मेरे को थोड़े से करने। तो यहाँ पे थोड़े से और, अभी शायद से अनलॉक हो जाएगा। चल बता नेक्स्ट क्या खरीदता है तू, लावा खरीदता है या फिर डायमंड खरीदता है, बता मेरे को। डायमंड तो नहीं मेरे पास, ओके चलो आयरन, ओके हाँ सेकंड स्टेज पे आयरन खरीदते हैं ना। चलो काफ़ी सही है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे आयरन गोलम को मार के रखा है, और कुछ आयरन गोलम तो मुझे मारने वाला था लेकिन मैं 12 बज गया। तो यहाँ से अभी चलते, मेरे एक्सपी देखते कितना होता है, 19 है ना स्टार्टिंग में, 18 था शायद से। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एक क्लिक में कर लेता हूँ। तो चल अभी आना, ये एक क्लिक हो क्यों, अरे हाँ मैं कोई और बटन दबा दे रहा हूँ यार, मैं भी पागल आदमी हूँ। तो यहाँ पे है ना आप शायद से अनलॉक होगा, अब लावा खरीद रहा है। एक मिनट मैं शील्ड खरीद लेता हूँ, मेरे पास फिलहाल शील्ड नहीं एक भी, तो मैं ना फटाफट से शील्ड पहन लेता हूँ। तो मैं पूरा डायमंड का ही खरीदने वाला, मैं इसलिए आयरन के कुछ भी मतलब बनाया नहीं है, सारे का सारा आयरन बचा कर रखा था। तो यहाँ पे मैं 2 ये खरीद के अनलॉक करता हूँ, एक और खरीदना है। चलो फाइनली हो चुका, अब देंगे मेरे को शायद से डायमंड का, दे भाई जल्दी दे जल्दी, ज़्यादा वेट नहीं कर सकता मैं। तो ये मुझे डायमंड का दे रहा है, और लेगिंग्स दे रहा है, और जूते। ओके चलो 2 आर्मर तो हो गया, सबसे पहला आर्मर तो मैं खरीद लेता हूँ जूते। और भाई यहाँ पे एडवांसमेंट मिल भी चुका है, बट मैं पूरा अभी डायमंड में कवर नहीं है। एडवांसमेंट तो मिल गया है, बट मुझे पूरा का पूरा डायमंड आर्मर चाहिए, और देखते हो पाएगा नहीं। सबसे पहले चेस्ट बनाते हैं, और यहाँ पे ना अपना सारा का सारा सामान रखते हैं। और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है ट्रेड करने के लिए, सारा का सारा मैं वापस चुका हूँ, खाली 2 स्टैक मेरे पास लकड़ियाँ है जो कि मैंने संभाल कर रखा था। और ये कोल लेते हैं ना, एक काम करता हूँ, कोल माइनिंग पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पे ट्रेड करके थोड़ा बहुत खाना ले लेता हूँ। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, खाने के बिना तो ये चल भी नहीं पाता जावा में, पॉकेट एडिशन में तो लंबा टिकता है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैंने ग्रासेस तो लगाए थे, मतलब ग्रासेस नहीं लगाए थे, डर्ट लगाए थे, ग्रासेस आ चुके हैं, बट मुझे और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अभी काम करते फटाफट से, यहाँ पे आसपास जितने भी कोल है ना कलेक्ट करते, और ऊपर वाले कोल को मैं पूरा कलेक्ट नहीं करूँगा, वो काम आएगा बाद में। मैं नीचे जाऊँगा, नीचे अपना माइन शाफ्ट भी है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आयरन वायरन सब कुछ है, बट आयरन मुझे कलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे अपना फिलहाल थोड़ा बहुत हो गया, नीचे चलते हो कि यहाँ पे मुझे वो नमूना वाला दिखा, तो मैं थोड़ी तैयारी करता हूँ, स्वॉर्ड ले लेता हूँ आगे। तो स्वॉर्ड तो ले लिया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ डिस्पन हो गया, देख सकते हो यहाँ पे अपना माइन शाफ्ट है, रेल की पटरी आपको दिख रही होगी, मैंने बंद करके रखा है ताकि कोई क्रीपर आके फटवट ना जाए। तो यहाँ पे मुझे कोल मिल चुका है, तो फटाफट से मैं थोड़े से कोल माइनिंग करके डायरेक्ट ऊपर निकलता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। तो यहाँ पे मैं ट्रेड करके आ चुका हूँ, और मैं विलेजर को ढूंढ रहा था ना, तो देख सकते हो सारे सारे मतलब एकदम इकट्ठा हो गए एक ही जगह पे, और मुझे पता नहीं चला कौन सा बंदा था जिससे मेरे को ट्रेड करना था। ये तो महंगा वाला, ये नहीं करना।
और ये एक मिनट, इससे मैं थोड़ा सी लकड़ी कड़ी लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। तो अभी ना मुझे और लकड़ियाँ बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इनफ नहीं है। होप करें कि दूसरा वाला मुझे ना मतलब सेम टू सेम मतलब ना दे दे, लाइक वो भी पैंट दे रहा हो। ओके, यहाँ पर ब्रीडिंग हो रही है काफ़ी सी, ये बिना बेड के कर देते ब्रीडिंग, पता नहीं कैसे। पॉकेट एडिशन में बेड लगा तो ही होता है। तो ये बंदा था ना, तो इसको मैंने अनलॉक तो कर दिया था, इससे 30 मैंने कोल ट्रेड किया है। तो थोड़ा सा और मैं ये कर लेता बट मुझे ना फिर से कमी पड़ गया। तो अभी मैं कहाँ से करूँ यार, जुगाड़ तो करना पड़ेगा, टाइम नहीं है मेरे पास। तो एक काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे पास है ना 2 स्टैक पड़े थे ना, ये मैंने बचाए थे घर के लिए, बट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो चलो भाई आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ पे 2 स्टैक है ना, 2 स्टैक से ठीक हो जाएगा यार, मतलब ठीक ठाक अमाउंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, इन सबको रख दिया मैंने। अब मैं ट्रेडिंग, ओके सोना भी पड़ेगा मेरे को। तो देख सकते हो यहाँ पे एडवांसमेंट दिख रहा है ना, काफ़ी तगड़ा है। 2 मिल चुका है, और वाटर डील वाला और कवर मीन डायमंड। अभी तो एक ही फिलहाल खरीदा है, और पैंट भी खरीद सकता हूँ, बाद में देखेंगे उसको। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूरा का पूरा ये बना लिया। तो अभी किधर है देखने, तो वो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ है उनका घर, वो दिखते नहीं मेरे को कि चलो आगे दिखा एक। और वो डायमंड वाला पता नहीं, डायमंड सॉरी आर्मर वाला पता नहीं कहाँ पे। तो यहाँ पे इसने मेरे को ठीक ओके सस्ता दे रहा है थोड़ा सा, चलो बच जाएगा मेरे को। तो यहाँ पे मैंने इससे ओके बाहर, अरे पहले से ट्रेड करके रखा इसलिए इसने पूरा ट्रेड नहीं किया। और यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, तो ये बंदा मेरे को 16 देगा ना, आएगा 16 ही देना चाहिए। तो एक एक ट्रेड कर रहा हूँ ना, ये कंटाले का काम है, एक बार में सब नहीं हो सकता। चल भाई आजा फटाफट से, चलो इससे काम हो गया। अभी ना ये वाला तो फालतू था, ये मुझे अजीब सी चीज़ें दे रहा है। मेरा मन कर रहा है इसको तोड़ के मैं ना बदल दूँ, क्योंकि वो मुझे लकड़ी दे नहीं रहा है। अब पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ, शायद से कुछ अच्छा खासा देगा। चल भाई दे दे। ओके ये तो वो वाला बंदा, इससे मेरे को ट्रेड नहीं करना था, मेरे को तो वो दूसरे बंदे से करना था। वो किधर है भाई, अभी ये मुझे दिख नहीं रहा यार। मैं पूरे जगह पर ढूंढ लिया, मुझे 2 बंदे दिखे, तीसरा नहीं दिखा है। और वो कहाँ पर मुझे देखने दो। ओके ओके यहाँ पे तीसरा आ गया, मैं कहाँ कहाँ ढूंढा, और वो यहाँ पे नमूना बैठा है। चल भाई दे दे अपना ट्रेड, और यही है ना। ओके यही है, यहाँ से मैं एक मिनट मुझे इसको पहले बदलना पड़ेगा। उससे मैंने ट्रेड किया बट उसने मुझे मतलब अनलॉक हुआ नहीं अभी तक, तो मुझे और यहाँ से एमरेड निकालने पड़ेंगे। चल भाई एमरेड दे दे, 16 का 16 टोटल दे दे। और मुझे ना ये भी लेना पड़ेगा, मैं इससे भी ट्रेड करूँगा क्योंकि मेरे पास सोर्स कम पड़ गया, इतना रिसोर्स है नहीं मेरे पास। तो चलो भाई इसको फटाफट करते हैं, इसको मतलब वीट बनाते और इसे ट्रेड करते हैं। कितना देगा ये, जितना भी दे मतलब काम चल जाए इतना देना चाहिए। तो फिलहाल ये मोर देन इनफ है, और ये आगे क्या ट्रेड करेगा, जो भी देगा क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ, फाइनली हो चुका है, अभी क्या देगा देखते हैं। अभी आयरन से ट्रेड, ओके चलो आयरन से ट्रेड कर, इससे मैं इजीली कर सकता हूँ। तो आयरन वायरन तो मेरे पास बहुत पड़ा है यार, बहुत ज़्यादा ही पड़ा है, इतने आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं कि सबको मैं मार मार के बहुत सारा कमा रहा हूँ। चलो वापस से अनलॉक कर दिया, अब क्या दे रहा है भाई जल्दी बता। तो ये मुझे आर्मर से कर रहा है, चलो एक से कर रहा है ना फटाफट। ये काफ़ी सस्ता देते हैं यार, बहुत ही सही चीज़ है यार ये तो। और ये भी सेम, अरे यार ये क्या फालतू आदमी है, दोनों ने मुझे सेम टू सेम ट्रेड दिया देख सकते हो। तो पैंट मतलब पैंट नहीं सॉरी लेगिंग्स और जूते दे रहे हैं। तो अभी आर्मर कौन देगा यार, चेस्ट प्लेट और हेलमेट कौन देगा, वो उसको कहाँ से लाओ, ये दोनों एक ही दे रहे, मुझे धोखा दे दिया। मेरे पास ऊपर से रिसोर्स नहीं है, और ये इतने नाटक कर रहे हैं, क्या ही करूँ यार। तो अगर ये दे दिए होते तो मेरा चैलेंज कम्प्लीट हो जाता, अभी 8 मिनट से ऊपर हो चुका है रियल टाइम में। तो ये मैं मतलब चैलेंज हार चुका है, फिर भी मैं ना मतलब जितना रिसोर्स है सबको वापर लूँगा, और चेक करूँगा कि मेरे को मतलब चेक नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि वो बंदे मेरे को दे, तीसरा बंदा बाकी है ना, तीसरे को देखता हूँ कि वो मुझे क्या देता है। मैं आपको ना थोड़ी देर बाद मिलता हूँ खतरनाक लेवल की ट्रेडिंग करके। तो गाइस मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक आयरन गोलम मेरा पीछा कर रहा है। मैंने ना एक दो विलेजर को शॉट मार दिया था ताकि वो चेंज कर ले, और मार के वो जो नल्ले विलेजर है उनको मार के नया ब्रीडिंग करवाया, इसलिए ये आयरन गोलम मेरा पीछा पड़ गया। इसका खुद हाथ पैर टूटे हुए एकदम डैमेज वाला है, फिर भी ये मुझे मारने आ रहा है। भले ही ये डैमेज वाला है लेकिन ये तगड़ा है बहुत ही, एक दो झटके में मार सकता है, देख सकते हो नमूना फिर से आ रहा है। तो अभी ना मैं भागने वाला हूँ, कब से मैं भाग रहा हूँ, लाइक 2-3 मिनट हो चुके हैं, आपको तो वीडियो में बहुत ही कम में दिख गया होगा, लेकिन अब मैं इसको ठिकाने लगाने वाला हूँ। होप करूँ कि मैं ना मर जाऊँ, पहले मैं खाना खा के अपना हेल्थ वेल्थ सब बढ़ाता हूँ। मैं 33 लेवल चले जाएंगे अगर मैं मरा, तो जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। चल भाई आजा पहले मैं खाना खा लूँ, तू तो नहीं बचेगा मतलब मैं बचूंगा या तू ही बचेगा, देखते क्या होता है। तो ये गया, ओके भाई 3 हार्ट खा लिया, 3-6 हार्ट खा लिया, अरे यार निकल, ओके 9 हार्ट में गया काम। ओ भाई क्या क्लोज था यहाँ पे, आधा हार्ट में बचा, ये भाई खतरनाक, फर्स्ट टाइम हुआ ये आधा हार्ट पे मैं बचा, वरना तो मैं बचता ही नहीं हूँ, इतना अच्छा लक है नहीं मेरा। ये बहुत खतरनाक था यार, मैं ये ट्राई नहीं करने वाला। 33 लेवल मेरे चले जाते, 33 लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब एक काम करते, आर्मर वार्मर तो देख लिया, प्रोटेक्शन सब कुछ है अच्छा, टूट ये आर्मर था तो मैं बच गया। तो चल के मेरे को जरा ये देखने दो अपना गन पाउडर फॉर्म की कैसा है, और ये तो नहीं मानने वाला मुझे। ओके चलो सही है, तो क्या दे रहा है मतलब कितना आया देखते हैं। तो लास्ट टाइम 9 थे ना, तो इस बार मेरे पास 25। ओके भाई वर्क कर रहा है, सही चीज़ है, मतलब काफ़ी तगड़ी बात है यार, मतलब वर्क कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे खाना खरीदने दो क्योंकि खाना है नहीं मेरे पास। और देखते हैं यहाँ पे कोई आयरन गोलम नहीं है ना जो मुझे मारेगा, सेफ्टी अपनी देखनी पड़ती है। और ये मुझे अच्छा ट्रेड दे रहा है, और ये मेरे पीछे आ रहा है क्या, एक मिनट
ये मेरे पीछे आ रहा है शायद से। ये अब इसको क्या तकलीफ है, मैंने तो उसको मारा था, तो ये आयरन गोलम को क्या तकलीफ है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। सारे के सारे बारी बारी से आने वाले, फिर तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा। स्टील आ रहा है, स्टील आ रही है बेवकूफ़, ये क्या नमूना है यार, अपने काम से काम रखना, मेरे पीछे पड़ के देखो क्या मिलेगा। निकल चल, तेरे को मरना पड़ेगा फालतू में, चल ले निकल ले, पहले से डैमेज वाला है और बहुत ईजिली मर गया। बट ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, ये मैंने एक को ही मारा है बट सारे के सारे एक एक करके पीछे आएंगे, फिर तो यहाँ पे 7-8 आयरन गोलम है, सबके सबको मैं थोड़ी मार पाऊंगा, ऊपर से मेरे पास तगड़ा आर्मर भी नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही मार देंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। अब बताना मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अगर ऐसे एक एक करके आएंगे तो इनको मारते मारते ज़िंदगी निकल जाएगा, फिर मैं ट्रेड कैसे करूँगा, प्रोग्रेस भी नहीं कर पाऊँगा यार, हालत ख़राब हो रहा है। क्या पनौती लग चुकी है, मैंने बेकार में वो विलेजर को मारा, बट कोई नहीं, अगर मैं उनको मतलब मुझे एक बार मर जाऊंगा ना तो मतलब ठीक हो जाएगा सारे का सारे, लेकिन उसके लिए मेरे 33 एक्सपी जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं कहीं मतलब मैं कुछ जुगाड़ करूंगा, अभी तो मेरा यहीं पे काम खत्म होता है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करो।